ओम शांति। आज आपका 154वें दिन का ईश्वरीय वरदान। और इसके पहले कि हम इस ईश्वरीय वरदान में आगे बढ़ें, ये ऊपर वाला जो लिंक है इस पर आप क्लिक करके योगासन और सोने की विधि कैसी है और क्या खान पान में अच्छा है क्या नहीं अच्छा, उसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम बाहर मुक्ता में आकर के दुनिया में अपने सारे प्रॉब्लम्स के आंसर्स ढूंढते हैं, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि हम उनसे लिंक करके अपने आप को और अपने अंदर ही जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन सबके हम प्रश्नों के उत्तर हम खुद ही ढूंढें। और परमात्मा चाहते हैं कि हम बाहर की दुनिया में कम और अंदर की दुनिया मतलब मन की दुनिया में ज़्यादा हम रहें, और साथ ही साथ उस दुनिया में रहते हुए परमात्मा के साथ भी जुड़ें और कन्फ्यूज़ ना हों। तो देखें आज परमात्मा पिता कहते क्या हैं इसमें। बाबा कहते हैं, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले। कंफ्यूज होना तो एक होता है कि हम परमात्मा से लिंक नहीं बना पा रहे, या मेडिटेशन नहीं हो रही मेरी अच्छी से, या क्या करूँ मेरे अंदर ये कमी कमजोरियां हैं इसको कैसे हटाऊं मैं। तो कभी कभी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी कभी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सच्ची में मेरे को परमात्मा ने चुना है क्या, मेरे अंदर वो शक्तियां हैं क्या, मैं भगवान का सच्चा बच्चा हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन परमात्मा कहते हैं कन्फ्यूज ना हो, डाउट ना क्रिएट करो। तो कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले। तो जैसे कि आपके घर में भी अगर किसी वायर का लूज कनेक्शन होता है तो वो बल्ब या लाइट या कोई भी इक्विपमेंट वो चलता नहीं ठीक से, आप सोचते हो वो इक्विपमेंट में खराबी है, या आप सोचते हो कि इसको लगाने वाले ने गलती कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा एक लूज कनेक्शन होता है जिसको अगर आप हिलाते हो तो थोड़ी सी स्पार्किंग तो होती है, उस समय दिक्कत होती है थोड़ी सी, लेकिन कनेक्शन बैठ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम या तो परमात्मा को ब्लेम करते हैं या कहते हैं कि हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है, लेकिन परमात्मा कहते हैं प्रॉब्लम हमारे अंदर या परमात्मा में नहीं है, हमारे कनेक्शन में है उनके साथ में। तो उसी चीज़ को आज हम विस्तार में भी समझेंगे। तो कन्फ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले, समस्या मुक्त भव। सभी आत्म समस्याओं का मूल कारण, बाबा कहते हैं सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। अब कोई परिस्थिति आई, जैसे हमने कल के वरदान में भी समझा कि कोई व्यक्ति आता है, कोई परिस्थिति आती है, या अपने अंदर की कोई कमजोरी होती है, कोई भी चीज हो वो हमें हलचल में ना लाए। तो यहाँ भी परमात्मा कहते हैं कि कोई भी अगर इस प्रकार की परिस्थिति आती है या कोई व्यक्ति की वजह से कुछ होता है तो उस समय आपका कनेक्शन अगर ढीला होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सहन करने की शक्ति या सामना करने की शक्ति या आपको परखने की शक्ति कि क्या राइट क्या रॉन्ग है, आप या तो उनको ब्लेम करना या अपने आप को ब्लेम करना, या उनको नीचे गिराना या अपने आप को नीचे गिराना शुरू कर देते हो। तो उस समय ये चीज़ें ना करके आप अपने कनेक्शन को ठीक करो ताकि आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ अष्ट शक्तियाँ वापस आ जाएँ, ताकि आप उनमें से चूज करो कि कौन सा गुण अपनाना है। मुझे सहनशीलता अपनानी है कि मुझे इसमें चुप होकर के बिल्कुल शांतिपूर्वक होकर के सब कुछ सुनना है और उसके अंदर परखना है और उसके अंदर निर्णय लेना है क्या सही क्या गलत है। तो परमात्मा कहते हैं सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। किसी ने कुछ कह दिया, आप तू तू मैं जवाब देने में आप लग गए और आपको 1-2 मिनट लग गया ये रियलाइज करने में, अरे बाबा ने परमात्मा ने तो मुझे कहा है कि मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमात्मा कहते हैं उसमें दिल शिकस्त मत हो, उसमें कंफ्यूज मत हो कि मैं तो हूँ ही नहीं ठीक, या मेरे से कनेक्शन होता ही ठीक नहीं है, या इतनी मेडिटेशन कर ली लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। परमात्मा कहते हैं कन्फ्यूज नहीं होना इन बातों में। परमात्मा कहते हैं अपने आप को भी हल्का लो और अपने कनेक्शन को फिर से बनाने की कोशिश करो। तो जो हुआ बीती, बीती को बिंदी लगा दो। बिंदी मतलब अपने आप को आत्मा समझो, पास्ट को बिंदु लगा दो और बिंदु स्वरूप परमात्मा को याद करना शुरू कर दो, फिर से कनेक्शन को फिर से जोड़ना शुरू करो। फिर बाबा क्या कहते हैं, यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाए तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के एक फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। निश्चय का फाउंडेशन पता नहीं मेरी किस्मत में है कि नहीं, पता नहीं लोग मेडिटेशन कैसे कर लेते हैं, मेरे तो इतने साल हो गए मेरे से मेडिटेशन में कनेक्शन नहीं बैठता। परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने आप से बातें ना करो, इनको परिवर्तन करो। परमात्मा के प्रेम में जो आत्मा होती है उसका कनेक्शन बहुत फटाफट लग जाता है, लेकिन
और चीजों के साथ में प्रेम करना, व्यक्तियों के साथ में प्रेम करना, वस्तुओं के साथ में प्रेम करना, उस कारण से हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। उसको चेक करना है और चेंज करना है वो संबंधों को, या वो कनेक्शंस, वो एक्सपेक्टेशंस को, जैसे हमने कल बात करी, वो इच्छाओं को खत्म करके एक परमात्मा के साथ में सारी इच्छाएं हों, तब जाके कनेक्शन हमारा ठीक बैठता है। नहीं तो हम इंसान के पीछे ही पड़ते पड़े रह जाते हैं, इंसान से एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए, इंसान से इच्छाएं या चीज़ों से सुख सुविधाएं, इन सारी चीज़ों से अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं, और बाद में अंत में पाते हैं कि वो चीज़ें भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। तो परमात्मा ही केवल हमें संतुष्ट कर सकते हैं, और हम अपने आप को जब परिवर्तन करेंगे तब जाके हम संतुष्ट हो पाएंगे अपने आप से भी। तो फिर आगे देखें, बाबा क्या कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, परमात्मा पिता मेरे, और मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा। बस ये कनेक्शन जो है ये जोड़ लो, और किसी पर डिपेंडेंसी नहीं। तब बाबा कहते हैं इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो। तो परमात्मा ही कहते हैं कि भगवान तू ही मेरा सहारा है। तो सहारा होते समय हम औरों को सहारा क्यों बनाते हैं, या व्यक्तियों को, या वस्तुओं को, या और आत्माओं के द्वारा हमें मीठी मीठी बातें सुनने में अच्छी आए, या और आत्मा हमें अप्रिशिएट करें, और आत्मा हमें अच्छा अच्छा बोलें, या और आत्माएं हमारे दुख दर्द को समझें। हम ये इच्छाएं क्यों रखते हैं? ये इच्छाएं जब रखते हैं तब हमारा कनेक्शन लूज होता है, जिस कारण से अंदर ही अंदर हम हलचल में आते हैं, या चिड़चिड़ापन आता है, या असंतुष्टता आती है हमारे अंदर, और कनेक्शन जितना लूज होता है उतना ही समय ज़्यादा लगता है हमें फिर से जोड़ने में। तो औरों के साथ में कनेक्शन तोड़ना मतलब उनके साथ संबंध नहीं तोड़ना, उनसे इच्छाओं का कनेक्शन तोड़ना है, और परमात्मा से सारी इच्छाओं का कनेक्शन जोड़ना है। तो परमात्मा कहते हैं मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। समस्या उसी में होती है, हमारी कमी कमजोरी में होती है। परमात्मा कहते हैं तुम मेरे साथ में अपना कनेक्शन जोड़ोगे तो मैं तुम्हारी कमी कमजोरी हटा करके तुम्हें सही दिशा, जो प्रकाश की दिशा है, सही रास्ता है, वो तुम्हें दिखा दूंगा। लेकिन तुम और व्यक्तियों, वस्तुओं और चीज़ों में अगर तुम उनके द्वारा समस्या को ठीक करने की कोशिश करोगे तो तुम और उलझते जाओगे और ही तुम्हारा समय बिगड़ता जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है आज के वरदान में। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपका दिन आपका शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। ओम शांति।